हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 26 अप्रैल 2024 और आज की 10 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो कल ऑरेंज अलर्ट पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 1 मई तक मौसम खराब रहने का आसार। आज से बदलेगा मौसम, बारिश अधड़ का येलो अलर्ट जारी। वीरवार को खिल रही धूप, मैदानी इलाकों में छूटे पसीने, बारिश हुई तो गेहूँ कटाई का काम हो सकता है बाधित। नेक्स्ट अपडेट ये रही, मुर्मू के दौरे से पहले चमकाया जा रहा है राष्ट्रपति निवास। 4 से 8 मई तक राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट में रुकेंगी। 1 मई के बाद पर्यटकों को राष्ट्रपति का दौरा खत्म होने तक नहीं मिलेगा प्रवेश। सड़कें की जा रही हैं चकाचक, राष्ट्रपति भवन का उद्यान फूलों से गुलजार। नेक्स्ट अपडेट ये रही, किसान आंदोलन के चलते कालका से देरी से चली ट्रेनें, बाहरी राज्यों से आवाजाही रही प्रभावित। 2 से 4 घंटे देरी से शिमला स्टेशन पर पहुंची ट्रेनें। नेक्स्ट अपडेट ये रही, गर्मी में सड़कों पर खड़ी नहीं होंगी इलेक्ट्रिक बसें। HRTC ने शहर में चल रही पुरानी 50 इलेक्ट्रिक बसों की जांच कर खामियां की दूर। रेफ्रिजरेंट्स गैस भरी। 45 डिग्री तापमान में भी चलती रहेंगी बसें। नेक्स्ट अपडेट, हमीरपुर से अग्निहोत्री का चुनाव लड़ने से इनकार, अब रायजादा पर नजरें। कांगड़ा संसदीय सीट से विधायक रघुवीर बारी या डॉक्टर राजेश शर्मा पर दाव खेलने की तैयारी में हाईकमान, इसी हफ्ते हो सकती है घोषणा। CM ने दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से की संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, बिजली के बिल मई में नए नियमों के अनुसार आएंगे। NOC के बाद घरेलू दरों पर आएगा बिजली बिल, नहीं मिलेगी सब्सिडी। बिजली उपभोक्ताओं को मई से नए नियमों के अनुसार जो है बिल आएंगे। बिना NOC वाले उपभोक्ताओं को घरेलू के सबसे उच्चतम दरों पर बिजली बिल देना होगा। इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी और उपभोक्ताओं को जो है NOC के बाद ही बिजली बिल पर मिलने वाला लाभ के वो हकदार होंगे। नेक्स्ट अपडेट ये रही, पहले से 8वीं कक्षा तक के दाखिले के लिए जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जरूरी नहीं। शिक्षा के अधिकार के तहत घोषणा पत्र फॉर्म भर कर दे सकते हैं जानकारी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, MA अंग्रेजी तृतीय सेमेस्टर के परिणाम से विद्यार्थी परेशान। तो कुछ विषयों में एक समान अंक के साथ फेल होने के विद्यार्थी कर रहे हैं शिकायत। नकल करते हुए पकड़े विद्यार्थी का पेपर रद्द। नेक्स्ट अपडेट, EMRSST की परीक्षा 28 को, तो ये परीक्षा सुबह 11 से 1 बजे तक आयोजित होगी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, CU 11 PhD स्कॉलरों समेत 709 को मिलेगी डिग्री। विश्वविद्यालय ने फिर बढ़ाई PhD के लिए आवेदन की तिथि, तो ये आप यहाँ पे देख पाओगे। तो ये थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।